तोमर, आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मियां बाजार अंसारी टोला के समीप एक समधी ने अपने ही समधी और दामाद समेत तीन लोगों को पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिनका उपचार पूर्णिया के सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है और इस मामले में लड़की के पिता ने लड़के एवं लड़के के पिता पर डोरी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज करवाया है और लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। इसी बीच अब्दुल्ला नगर निवासी जाहिद हुसैन चिमनी बाजार में एक पारिवारिक पंचायती करने के लिए अपने पुत्र और दामाद के साथ पहुंचे थे। इसी दरमियान जाहिद हुसैन के समधी मोहम्मद बिलाल एवं उनके पुत्र मोहम्मद सोनू, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद तोहिद एवं मोहम्मद नईम ने रास्ते में पकड़कर जबरदस्त पिटाई कर दी। बताया गया जाहिद हुसैन की पिटाई तब की गई जब वे लोग चिमनी बाजार से पंचायती कर वापस अपने घर अब्दुल्ला नगर चुस्की बाग आ रहे थे। इसी दरमियान पहले से घात लगाए उनके समधी ने ही रास्ते में रोक कर समधी दामाद समेत तीन लोगों की जबरदस्त पिटाई कर दी और दो को घर में भी बंद कर दिया, जिसके बाद में पुलिस के सहारे बाहर निकाला गया। इस संदर्भ में स्थानीय थाने में शिकायत की गई है और जख्मी लोगों का सदर अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना को लेकर स्थानीय समाज सेवी एवं महादेव संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि एक ये सोची समझी साजिश है और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायती में गया था। मेरे पंचायती में गए तो कैसे मार लग गई इनको? ये बात हमने कैसे कही? जहाँ घर से 2 किलोमीटर दूर बाद में मारपीट हुआ। हाँ। कौन मारा पता है ना आप लोग? नहीं, हमको ये पता नहीं, ये सब पता नहीं। उस गाड़ी मेरे सामने नहीं था, हम छुड़ा उड़ा का। कैसे ये किस तरह का मामला है? और आप देखिए, इनको तो सोची समझी साजिश के तहत जो है इन पे हमला किया गया। ये हमारे समाज के काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं और हमेशा समाज से रिलेटेड ही समाज सेवा करते रहते हैं। जो भी इनके साथ किया गया वो काफ़ी गलत किया गया, इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इनके साथ जो भी हो एक न्याय हो और जो भी ये हमला किया है एक सोची समझी साजिश के तहत उसको जो है प्रशासन जितना जल्दी हो कस्टडी में। फिर आपका जो बेटा साथ में था, दामाद था, ये सब कहाँ कैसे आया? इन लोगों को हमको मार के गिरा दिया, आज दोनों को जाके घर में जाकर के बंद कर करके मार रहा था। तो समाज का कोई आदमी हमारे लड़की को फोन किया तो हमारी लड़की गई थाना। हाँ, थाना गया, मेरे बाप को, मेरे शौहर को, मेरे भाई को जान से मार देगा, सर जल्दी चलिए जल्दी चले, कोई नहीं तैयार हो रहा था। तो मेरा बेटी बोला कि हम जाते हैं एसपी के पास, रोते रोते बेचैन थी। हाँ, तब जा कर के फोन था, उसके बाद में भेजा पुलिस को, तब घर में से निकाला, हमको उठा के गाड़ी पर लादा, लाद कर डायरेक्ट हॉस्पिटल आए। कैसे मार लग गई आपको या फिर चोट लगी? चिमनी बाजार में हमारे समझी का घर है, उसका नाम है सलीम, उसी के यहाँ पंचायत था। हमको फोन किया था, हमारा दामाद मंसूर और उसके बाद मेरा लड़का बेटा हुसैन दो को मोटरसाइकिल पर गए पंचायत गए, लड़की वाला नहीं माना। पंचायत पंच के लोग सारे लोग उठ गए, उठने के बाद में हम वहाँ से चल दिए। आने के बाद में मियाँ बाजार अंसारी टोला के सामने वो मस्जिद है, और मस्जिद के पास नई मियाँ जो है वो सारे लोगों को बैठा के, करीब 10-12 आदमी से था, जिसमें से बहुत लोगों का चेहरा देखने से पहचान सकते और नाम नहीं जानते। उसमें था बिलाल, उसके बाप का नाम नहीं जानते जो हमारे लड़का का ससुर है, उसके बाद में जो है सोनू है जो बिलाल का लड़का है, उसके बाद में कलाम है, उसके बाद में तौहीद है, उसके बाद में उसका बिलाल का भाई का लड़का सा, बिलाल का भाई उसका नाम नहीं जानते, उसका भगना था। अच्छा, सारे लोग उसके परिवार के लोग थे क्या? हाँ, परिचित लोग थे। हाँ, उसका डीलिंग कर रहा था ये नहीं। तो वो तो आपका समधी है, तो क्यों मारा आपको? केस के बाद उसकी लड़की मेरे यहाँ नहीं रहता। हाँ, कहें कि सरे भाई जहाँ लड़का को रखना है रखो, कमा के खिलाएगा। हाँ, वो रखा, उसके बाद लड़का को मारता है, लड़का जाने के लिए तैयार नहीं होता। अब इसका सजा हमको दिया,
डोरियत केस किया है, वहाँ इंक्वायरी हुआ है, सारी बात हुई है। हाँ, इंक्वायरी में जो है सारी बात गलत निकला है। उसके बाद में हमको जेएसपी साहब भी बोलाए, वहाँ बुलाया गया, बोला कि ठीक है आप जो है वहाँ से पटिशन भी करके दिया जाए, पटिशन में समाज का दस्तखत हो, वही करा परसुए कराए, लेकर जाने वाले थे नहीं जा सके। तो ये आपका समधी आपको पीट दिया? हाँ, समधी, और ये नहीं है उसका डीलिंग, वही किया है, वही मरवाया। नहीं, मर्डर है वहाँ का? हाँ, मर्डर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजाहत हुसैन। ये लड़ाई हुआ है मियां बाजार के पास जी, मस्जिद के पास जी, घींच के ले गया घर में, घर से हमको पुलिस रिकवरी किया है। घर कहाँ है आपका? हमारा घर अब्दुल्ला नगर में है, वार्ड नंबर 42। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।